क्योंकि मैं जाने वाला हूँ इंडिया, पूरा ऑल टोटल पब्लिक का टिकट निकल गया, टिकट का डेट अभी रिवील नहीं करेंगे भाई साहब। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है हैपर के अंदर, शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने आपको बताया कि जो है सो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉपिंग ब्लॉग, जिसमें हम दो काम करने वाले हैं। पहला काम ये है कि हम यहाँ पर जाने वाले हैं कुछ ट्रैवल ऑफिस में, जहाँ पर हम जा करके पता करेंगे कि अभी यहाँ पर कुवैत में करंटली क्या प्राइस चल रहा है फ्लाइट टिकट का, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ इंडिया। और दूसरा काम ये है कि आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं ढेर सारी शॉपिंग। तो जो भी चीज़ें हम खरीदेंगे उसके यहाँ पर अभी के टाइम में कुवैत में क्या प्राइस चल रहे हैं वो सारी डिटेल आगे इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कुवैत में शॉपिंग महंगी है या सस्ती है। ओके, और इसके अलावा हमने कितने की शॉपिंग की, क्या क्या शॉपिंग की, ये सारी डिटेल्स हम आपको इस व्लॉग के लास्ट में बताएंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी शॉपिंग। ओके, तो अभी गाइज मैं आया हूँ यहाँ पर फाहिल के ग्रैंड हैपर में, और यहाँ पर एक अंदर ट्रैवल ऑफिस है। तो यहाँ पर हम जाकर के पता करेंगे कि अभी यहाँ पर टिकट का क्या प्राइस चल रहा है। अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहा तो यहीं पर टिकट ले लेंगे, नहीं तो इसके अलावा फिर और भी यहाँ पर ऑफिस है फाहिल में, तो वहाँ पर हम चल करके देखेंगे। ओके, तो अभी गाइज हम लोग आए हैं यहाँ पर फाहिल के ग्रैंड हैपर के अंदर में है, और यहाँ पर जो ऑफिस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर अभी क्या माहौल है वो भी मैं दिखा देता हूँ। काफी ज्यादा यहाँ पर क्राउड है क्योंकि फ्राइडे का दिन है इसलिए। तो ये है फाहिल का ग्रैंड हैपर जो है ना, उसके अंदर का मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ। ये कुछ यहाँ पर अभी माहौल है, ये रहा नीचे का एरिया जहाँ पर अभी हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो ये है वो ट्रैवल ऑफिस जहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैवल क्लब, ये इसके अंदर अभी हमको जाना है टिकट के लिए, इंडिया का टिकट निकलवाने का, लखनऊ तक का। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पर गए थे टिकट लेने के लिए, काफ़ी देर तक बातचीत चला लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, काफ़ी महंगा यहाँ पर टिकट मिल रहा है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से दूसरा ऑफिस में भी जा करके देख लेते हैं क्या वहाँ पर प्राइस चल रहा है, क्योंकि अलग अलग ऑफिस में अलग अलग प्राइजेस रहते हैं। सो देखते हैं किसी दूसरे ऑफिस में, और अगर वहाँ पर सही लगा तो ठीक, नहीं तो यहीं पर वापस आ करके ले लेंगे। ओके, देख लो भाई साहब फ्राइडे के दिन कुछ ऐसा माहौल रहता है यहाँ पर फाहिल में, ये पूरा ऑल टोटल जितना चारों तरफ पूरा पब्लिक ही पब्लिक है। यहाँ पे देखो ग्रैंड हैपर साइड में पूरा ऑल टोटल पब्लिक है, और ये ज्यादातर लोग जो है फाहिल के बाहर से लोग आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर एक TVS ऑफिस में। ये जो TVS ऑफिस है ना, ये पहले हुआ करता था ग्रैंड हैपर में, लेकिन अभी यहाँ पर आ गया है। ये मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कहाँ पर ये ट्रांसफर हो गया है। यहाँ पर जो फाइल में सिटी क्लिनिक है ना, यहाँ पर इस बिल्डिंग में, यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर ये ट्रांसफर होकर के आया है TVS ऑफिस। पहले ये ग्रैंड हैपर में हुआ करता था, अभी यहाँ पर आ गया है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इंडिया का टिकट निकलवाने का, इंडिया में कुवैत टू लखनऊ, सिंगल और डबल दोनों का ही देख लो क्या प्राइस फिर डिसाइड करेंगे। तो भाई लोग ये रहा मेरे हाथ में वो टिकट जिसको हम बुक करने के लिए आए थे। तो टिकट जो है वो क्लियर हो चुका है, सो चलते हैं बाहर और बाहर चल के आपसे बात करते हैं। ओके ओके, सो गाइज ये रहा मेरे हाथ में वो टिकट जिसको हम लोग बुक करने के लिए गए थे। तो टिकट जो हमारा था वो फाइनल हो गया है, और अभी तक हम लोग दो ही लोग थे साथ में इस व्लॉग में, और अब हम दो से तीन होने वाले हैं। पीछे देख रहे हैं फिरोज भाई यानी MFK हमारे साथ में आ गए, और काफ़ी टाइम के बाद में हम लोग मिले। लास्ट टाइम हम लोग सालमिया में गए थे, वहाँ पर बोर्ड में हम लोग जो राइडिंग किए थे वो व्लॉग हमने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लेना। सो उसके बाद से अभी हम लोग मिल रहे हैं। सो फिरोज भाई, हेलो हेलो वॉच द वर्ल्ड ब्यूटी के चाहने वालों, कैसे हो आप सभी। तो वापिस से हम लोग आए हैं एक ब्लॉग बनाने, तो हमारे कलीम भाई इंडिया जा रहे हैं, तो सोचा कि चलो इनको भेज देते हैं सही सलामत। आज शॉपिंग करने वाले, शॉपिंग बताया हाँ। टिकट निकल गया, टिकट का डेट अभी रिवील नहीं करेंगे, वो आने वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा, तो ये सरप्राइज है। सो चलो अभी हम यहाँ से, टिकट तो हमारा फाइनल हो गया, उसके बाद में अब हम चलेंगे शॉपिंग करने के लिए, और देखते हैं यहाँ पर हम क्या क्या शॉपिंग करेंगे। जो भी होगा इस ब्लॉग के लास्ट में हम करते जाएंगे, और आपको लास्ट में हमने क्या क्या शॉपिंग की वो सारा कुछ लास्ट में दिखाएंगे। ओके,
तो ये है कुछ ग्रैंड हैपर के अंदर का नज़ारा, जहाँ पर वेजिटेबल्स लगा है। वेजिटेबल्स एरिया में अभी मैं हूँ। यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा पब्लिक है। तो ये यहाँ पर जो है काजू और पिस्ता लगा हुआ है, एक दिनार 550 में लगा हुआ, हाफ हाफ केजी का। तो ये एक एक पीस ले लेते हैं। यह है काजू का, यह है पिस्ते का। भाई साहब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है हैपर के अंदर, शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। देखो यहाँ पर सामान लेना कितना मुश्किल है, सब पूरा जो है काउंटर घेर के रखे हुए हैं, टेबल को पूरा यहाँ पर लाइन लगा हुआ खरीदने के लिए। ये हाफ के जी चॉकलेट कितने का? 1 दिनार। कौन सा? ये वाला, ये बोड़ी है। हाँ ये हाफ के जी दे दो। बताओ इतना महंगा महंगा चॉकलेट लगा, 1 दिनार का हाफ के जी मिलेगा? हाफ के जी? हाँ। अरे बहुत मुश्किल है यार, इधर पूरा बहुत भीड़ है। क्या लिए? ये लिए। अरे यार ये ओलिव ऑयल देखो, यहाँ पर जैतून का तेल कितना महंगा महंगा है, 900। ये इतना छोटा छोटा डब्बा है 910 फिलिस में यहाँ पर। तो ये सुमित बोल रहा है कि ये यहाँ पर ऑफर में लगा, सस्ता है, नहीं तो बाकी के टाइम में जो है महंगा मिलता है। तो इसको एक ले लेते हैं। यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है 890 फिलिस में, इसका प्राइस है, ऑफर में है अभी बोल रहा है, ग्रैंड डील। चलो एक पीस ये ले लेते हैं। भाई साहब सही बोल रहे हैं कि हम लोग ब्लॉगिंग के टाइम में हम लोग कहाँ से कहाँ घूमते रहते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ ऑफर लगा रहता है। लेकिन अभी हम खुद अपनी शॉपिंग करने के लिए निकले हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑफर नहीं मिला है। सारी चीज़ें यहाँ पर जो है महंगी मिल रही, ज़्यादातर कुछ ही ऐसी दो चार चीज़ें हैं जो सस्ती मिलेंगी, नहीं तो ज़्यादातर जो है महंगी चीज़ें मिल रही। अगर आप लोगों को शॉपिंग करना है कुवैत में हो तो सिटी सेंटर जाओ, 900 फीस में ये सब चॉकलेट मिलता है और यहाँ पे डेढ़ केडी का मिल रहा है। तो सिटी सेंटर इज द बेस्ट सुपर मार्केट मेरे लिए। देखते हैं अभी यहाँ पर और क्या क्या हम खरीद सकते हैं। ग्रेट ऑफर, डेली ऑफर में है, और ग्रेट ऑफर। हाँ यार प्राइस क्या है इसका, कितने का? 650 1 KD, 1 दिनार 650 में यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर। चलो ये एक बॉक्स ले लेते हैं। चलो ये एक डाल ले रहे हैं। ये है स्नेकर्स। ये जितनी भी हम चॉकलेट ले रहे हैं ये सारी की सारी अपनी भांजी के लिए ले रहे हैं। तो ये अपने को एक ऑयल लेने का घर से डिमांड आया था। इसका प्राइस क्या है? 1 दिनार 290 का है। ये जो है ऑयल जो है ना, पहले मैंने भेजा था, तो ये हड्डी जिसमें जिसकी हड्डी का जो पेन है ना, बोन पेन्स है, तो उसमें जो है काम आता है, या तेल मालिश। हाँ ओके, तो ये दो पीस ले लिया। ये डाल लेते हैं टाइगर बाम, 4-5 पीस डाल लेते हैं टाइगर बाम। सो अपने को इतना शॉपिंग का आइडिया नहीं है, तो जो भी चीज़ अपने को समझ में आ रही है वो डालते जा रहे हैं ट्रॉली में, भरते जा रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। तो अभी हमने जो भी सामान लिया वो सारा सामान यहाँ पर सुमित को ट्रॉली देकर के लाइन में लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी लाइन लगी हुई। देखो कितना लंबा लाइन लगा। देखो सुमित के पीछे, वहाँ से सुमित चलता हुआ आ रहा, वहाँ से पूरा लाइन लगा हुआ है, और ये यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर कैशियर के पास आना पड़ेगा। तो अभी जो ट्रॉली है उसको हम संभालते हैं और सुमित को देते हैं अपना कैमरा दूसरी साइड से शूट करने के लिए। वो आ रहा है, उधर से आ रहा। हो गया भाई, इतना लंबा बिल बना है अभी यहाँ पे। अभी देखते हैं और क्या क्या बाकी है। ये रही ग्रैंड हैपर की शॉपिंग। ब्लूटूथ लेना था, यहाँ पर आए हैं हैपर में ही, 7 KD का बता रहे हैं यार, गलती से भी नहीं लेना। अभी आपको जो हैपर के अंदर ब्लूटूथ दिखा था ना, वो मैं आपको जो प्राइस बता रहा था, मैं आपको बोल रहा था नहीं लेने के लिए, वहीं पे दुकानदार आ गया, वो बोल रहा यार मेरे सामने ही मेरा दुकान का बुराई कर रहे हो। लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने आपको बताया कि जो है सो है। भाई दो वॉच निकालो। तो ये है यहाँ पर एक मोबाइल शॉप है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिल जाएंगे मोबाइल से रिलेटेड, चाहे ब्लूटूथ हो, वॉच हो। तो ये दो ब्लूटूथ मैंने चेक किए हैं, तो इनका 3 KD 2.5 KD इसे प्राइस बोल रहे हैं, तो इसका मैं अभी बातचीत चल रहा है, देखो क्या होता है रिजल्ट। और दो ये वाला वॉच, ये दो वॉच जो है निकलवाई हमने, अभी इनका प्राइस क्लियर नहीं हुआ है, 2-2 KD का बोला, देखते हैं अभी क्या रिजल्ट निकलता है। ये अंदर में कुछ इस तरीके का पूरा इसका सेट रहेगा, पूरा कनेक्ट करना रहेगा। ये उसका पूरा लाइन से लगा हुआ है, जितना भी डिजिटल वाला है ना वॉच, पूरा लगा हुआ है। देख रहे हैं अभी मोल भाव कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये अभी हमने जो है यहाँ पर दो ब्लूटूथ लिए हैं, उसके अलावा दो वॉच लिए हैं, दो KD की वॉच दी हैं, और 3-3 KD की जो है ब्लूटूथ दिए हैं। तो ये लेकर के अभी चलेंगे दूसरी मार्केट में, और देखते हैं वहाँ पर हम क्या लेंगे। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर हैं सेंचुरी मार्केट में, जो फाहिल में मार्केट है सेंचुरी मार्केट। तो हम लोग को लेना था जैतून का तेल, तो हैपर में हमने देखा था वहाँ पर 990 फिल्स का दिखा रहा था, और यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है। ये 1-1 दिनार का डिब्बे मिल रहे हैं, तो ये अभी हम
ज़्यादा इधर उधर जाने से फ़ायदा नहीं, तो चार डब्बे भी हम ये ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये ऑयल सेक्शन है, तो यहाँ पर हर कैटेगरी का ऑयल लगा है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये यहाँ पर लगा हुआ है जैतून का तेल, जो अभी हम ये चार डब्बे ये लेने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी साइड में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग ये लगा हुआ है कोकोनट का। उसके अलावा ये दूसरी कैटेगरी के हैं, यहाँ पर ये लहसुन का है, इसके बाद में ये बादाम का है, और यहाँ पर फिर लहसुन का। तो मतलब ये अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पर पूरा ऑयल सेक्शन है। तो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, फाहिल में एक सेंचुरी मार्केट है, वहाँ से हम लोग सामान लेकर निकले हैं, जैतून का तेल लिया और दूसरी और कुछ आइटम लिए। तो अब हम यहाँ से चलते हैं किसी सन्नाटे में और वहाँ पर हम क्या क्या लिए हैं वो दिखाते हैं आपको। ओके सो गाइज, अब हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हमको जो शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली है, कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो उसके लिए हमको फाहिल से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर फाहिल में सस्ती नहीं मिलती। कुछ चीज़ें फाहिल से जब बाहर आप जाओगे तो वहाँ पर सस्ती मिलती हैं। सो हम जाएंगे नेक्स्ट टाइम किसी और जगह फाहिल से बाहर, और फिरोज़ भाई भी जा चुके हैं वापस अपने रूम पे, तो अब हमको यहाँ से जाना है, हमको भी अपने रूम पर वापस। सो हमने जो शॉपिंग की वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। सो ये वो कुछ सामान है जो हमने शॉपिंग की, ख़रीदारी की। यहाँ पर ज़मीन में देखो बिल पड़े हुए हैं जो हमने ख़रीदा, ये हम लोग काउंटिंग कर रहे थे कितना का हमने आज खर्चा किया। सो ये 115 KD तक हमको खर्चा हुए हैं टिकट को मिला करके। सो अब जो दूसरी चीज़ें बाकी रहेंगे वो हम फिर किसी दिन खरीदेंगे, जहाँ पर कहीं भी ऑफर मिलेगा तो वहाँ पर हम खरीद लेंगे। सो फिलहाल अभी इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके सो तब तक के लिए बाय बाय। हमें बुराई कर रहे तुम यार? नहीं बुराई नहीं कर, इतना महंगा था तुमने हमको ले, हमारी बुराई कर रहे हो, हमारी दुकान में खड़े हो, आपकी दुकान की नहीं कर रहे हैं, इतना महंगा है इसके लिए बोल दो यार। बढ़िया बात, बेकार लोग हो तुम तो भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फेल करवा देंगे, डिलीट करवा देंगे। क्या एप्पल है? माशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया बात।